अपनी घर की चाबी हमसे पूछ रही है कि चाबी कहाँ है। तो मीट अंकित भाटिया। मनीष ने पता क्या किया, मनीष ने मेरी एक लाइन सुनी बस कि जो टाइम दूंगी उस पे नहीं पहुंचना। हेलो गाइस, सलाम नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मनीष नागदेव, वेलकम बैक टू नागदेव वाइब्स। जतिन अपर्णा पीछे खड़े हैं, यहां पर कार निकल रही है यहां से और हम मैं जा रहा हूं उनके घर पर और पूरा कवर करूंगा, आपको दिखाऊंगा हम क्या क्या मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में जो हमने मस्तियाँ करी थी आप लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस ब्लॉग को भी उतना ही प्यार दोगे। तो यहां से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, कीप वॉचिंग। तो ज्योति और कमल की गृह प्रवेश के लिए मैंने सोचा कि उसको कुछ डिकोर में देता हूँ, तो आई थॉट कि कोई लैम्प या अच्छा कुछ लाइट वाइट हैंगिंग लाइट्स देख लूँगा। तो अपर्णा और जतिन मुझे यहाँ पर ले आए हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमें। मुझे ये वाली हैंगिंग लाइट्स बहुत अच्छी लगी हैं, मुझे ये खरीदने का बहुत मन है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है कि जो इसके बल्ब जो होते हैं ना ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये सब ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़ते हैं तब जाकर ये आते हैं यहाँ। No, I'm not that confused. अभी जाके अपना घर संभालेगी, हमारे लिए तैयारी करेगी। अपर्णा सोएगी। अपर्णा सोएगी। देख लेना एक बार। बाय। बाय। जतिन और मैं निकले हैं साथ में हेयर कट के लिए, मुझे अपना हेयर कट करवाना है बिकॉज बहुत बड़े हो चुके हैं और जतिन को अपना कुछ शेव ट्रिम करवाना है, तो ये अभी कहीं लेकर जा रहा है, लेट्स सी कहाँ लेकर जा रहा है। टेकिंग मी आउट टू वेयर सम सैलून। We'll just explore. Let's see. ये मेरे बाल हैं अब ऐसे, अब देखते हैं यहाँ पे हेयर कट कैसा होता है। पुणे में फर्स्ट टाइम मैं किसी और हेयर स्टाइलिस्ट से अपने बाल ट्रिम करवा रहा हूँ, सो लेट्स गिव अ शॉट। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट। तो मेरे बाल कट चुके हैं, कुछ ऐसे कटे हैं ऐसे, पुणे में फर्स्ट टाइम बाल काटे हैं, अब सेट नहीं है, थोड़े सेट करूंगा। और जिस काम के लिए एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सैलून में आए थे, जतिन लेकर आया था, तो पता चला कि वो रेजर यूज़ करते ही नहीं है, तो उसका काम हो ही नहीं पाया, इसका जो ट्रिम था दाढ़ी का वो हो नहीं पाया, लेकिन मेरे बाल कट गए और अभी तो बहुत ही अलग से लग रहे हैं, देखते हैं तो सेट करेंगे फिर थोड़े टाइम में। देखा आज तक किसी ने मनीष को काम करते हुए? मुझसे गाज तोड़वा आते ही देखो ग्लास तोड़ दिया सतिन का, अपर्णा का, अपर्णा मुझ पे डांट रही है, उनका सेट, उनका नया नया सेट खराब कर दिया। अब ये भी क्या परिवार वाला हो गया, तो अब सबसे पहले ग्लास गिरा बोलता क्या, उस सेट खराब हो गया। मेरी पनिशमेंट साफ करने की थी, इसकी पनिशमेंट देकर नंगे पैर डांस करना पड़ेगा, तू चेक की कुछ पार्टिकल्स बचे हैं कि नहीं बचे। थोड़ा बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ काम कराने, बुला रहा मुझे यहाँ किचन ही रिपेयर करा रहे। पब्लिक हैरान होगी देख के, क्या इतना सारा गुड़, दिस इज गुड़। तो कौन है बता ना, बोल रहा आते ही मिलवाऊंगा, तो देखते हैं। So guys, there's a surprise for you. I have someone who's very famous on YouTube. So meet Ankit Bhatia. Hello. So I'm meeting him for the first time and he's so sober, so cute. ऐसा मतलब होता ना एकदम प्यारा सा धीरे से बोलने वाला लड़का। बहुत ज्यादा लेट हो गया हम लोग, तो मतलब इतना लेट सोए हैं कि बता नहीं सकते, छोड़ो उसके बारे में क्या बोला। तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए और हम जा रहे हैं ज्योति के घर पे, उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी है, उसने नया घर लिया हुआ है, आई होप मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से, चलो चलते हैं। अभी हम फूड कोर्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, फूड कोर्ट आने वाला है और अपर्णा हमको बोलकर खुश हो चुकी है, मास्क पहनकर वो भी, और ये अभी हम जा रहे हैं अंदर, भूख भी लगी, थोड़ा सा कुछ खा लेंगे और फटाफट निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आई एम सो स्लीपी राइट नाउ, नींद बिल्कुल हुई नहीं है, अभी और एक घंटा दूर है यहाँ से मुंबई पहुँचने के लिए, पर ना तो इतनी लगी है पीछे जाके मस्त सो रही है, फुल नींद निकाल रही है। जतिन और मैं दोनों हम लोग आगे बैठ गए ऐसे, ये ड्राइव कर रहा है और मैं ऐसे बैठे बैठे बोर हो गए, नींद आ रही है और मैं नेविगेशन बता रहा हूँ यहाँ पे बैठ के और ये ड्राइव किए जा रहे हैं, और ये मैडम आराम से लुफ्त उठा रही है लॉन्ग ड्राइव का।
और इसमें से एक पीस नहीं खाया दोनों ने। ये पीछे सोई हुई थी मैडम, ये ड्राइव कर रहा है बोला मन नहीं कर रहा मेरा खाने का। मतलब मैकडॉनल्ड्स का बना बनाया फ्राइज में उसने पेरी पेरी डाल दी तो बोला मैंने बनाया। तो हेलो हेलो मैथ लगती है उसके अंदर, खोलना पड़ता है उसको, फिर उसको लेके डालना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, वो उसमें लगती है मेहनत। तो कल से तुम लोग काम करवाया जा रहे हो दोनों, मुझे छोड़ दिया उसने घर का, बोल रहे काम करवा रहे हो। कल वो ग्लासेस साफ करवाया, ग्लासेस उठवाए, फिर वो पोछा मरवाया, फिर वो क्या था वो उधर किचन में क्या करवाया तुमने मुझे, वो किचन का जो था वो ट्रॉली को अंदर फिक्स करवाया। कुछ नहीं किया मैंने, बोला खड़े हुए थे, सिर्फ खड़ा था कुछ काम नहीं किया, मैंने ट्रॉली डाली अंदर वो तो देखो बोला था तेरे को हेल्प करने के लिए, लेकिन जब तक तेरी हेल्प, जब तक तू मन बनाता कि मुझे हेल्प करनी, जब तक मैं तो अंदर तो मैं देख तो रहा था ना, वो भी काम ही तो है। देखा इसलिए मैंने वीडियो बनाया था, मांग रही है प्राइस दे दो, प्राइस दे दो। ये सो फाइनली वी हैव रीच्ड देयर बिल्डिंग, अभी सब निकलेगा सामान, अभी जा रहे हैं ज्योति कमल से मिलने को, देखते हैं क्या है ऊपर सीन शॉट। बहुत गालियां पड़ेंगी, ये है ना, ये लिया हुआ ज्योति के लिए, कमल के लिए, घर के लिए, तो देखते हैं उनको ये अच्छा लगता है या नहीं लगता है, बाद में मालूम पड़ेगा वो तो। खैर कंग्रेचुलेशंस, कहाँ है ज्योति, कहाँ है? हेलो, हेलो, कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन। ज्योति कितनी अच्छी लग रही है, भाभी को नोट लगाओ, इनको लगाओ, भाभी को नहीं है, भाभी को लगाओ, थैंक यू सो मच। अरे कितनी सुंदर लग रही है, तुम आए क्यों इतने देर? कुछ फ्लैश ऑन हो गया है, आज मैं विदाउट कैमरा हाई कह रहा हूँ। कमल राणा, अरे इसको हटा दो। हेलो हाय, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर न्यू हाउस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो देखो पूरा ना, मैं देखना पूरा देख के आता हूं। ए सही है, जो ये तो बहुत सही, ओ नाइस, क्या व्यू है ये ज्योति, वेरी ब्यूटीफुल ज्योति, वेरी ब्यूटीफुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा नहीं कि उस टाइम पे पहुंचना है, उससे पहले पहुंचना है, नहीं नहीं ऐसे कंटेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, सच्ची बोल रही हूँ। नहीं इन्होंने कहा था, बहुत गाली पड़ी। मनीष ने पता क्या किया, मनीष ने मेरी एक लाइन सुनी बस, कि जो टाइम दूंगी उस पे नहीं पहुंचना है। मैंने कुछ किया नहीं, मैं इनके घर पे था, कार इनकी थी, जैसे मुझे लेकर आएंगे वैसे आऊंगा ना, मैं कैसे आ सकता हूँ? सबसे पहले मैं जैसे गए थे घर जाते हैं फिर आप, हाँ कैसे गए थे लास्ट, आप रेडी हुए हो? मैं तो वहाँ पे था ना पुणे में ऑलरेडी। मैं, अरे वाह, तो ये हम मनीष का गिफ्ट खोल रहे हैं, ये मैंने इसमें से कुछ ऐसा भो करने वाला नहीं आया, मुझे ऐसे पंगे नहीं लगे उसे। ओ बल्ले, ओ ओ स्टूडियो के लिए लेकर, सबसे अच्छी चीज ये कि साथ में बल्ब लेके आए हो। हां यार, लोग अकेले बल्ब वो दे जाते हैं यार, लैंप और बल्ब भी देके जाते हैं, और लैंप पड़ा पड़ा बेचारा खो जाता है यार। बोलने से पहले एक बार कैलकुलेट करो कि इनमें से किसी ने हमें लैंप चुनी क्या, पहले ऐसे बोल देती हो तुम। मुझे पता है किसी ने लैंप नहीं दिया हुआ, इसलिए मुझे वो बड़ा सुंदर सा वो दिया था वास, वो तोड़ दिया था मिस्टी ने। ये वो हैंगिंग है, कॉर्नर में काफी भी लगा, नहीं कॉर्नर में इस पे लगा, मैं सोच ही रही थी कि मुझे ये 1, 2 और 3 यहाँ के लिए लैंप चाहिए। पर ये कैसा है ना, सिंगल और तीन लगेंगे ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, सेट को ये तीन का सेट इकट्ठा लगेगा, ये तीन सेंटर में ला सकते हो। ओके 1, 2 कलर भी बहुत सुंदर है, बल्ब लेके आयो तुम, वेरी गुड, ये सबसे प्राउड ऑफ यू। हम लोगों क्या था पसंद, मनीष ने दूसरा किया था, लेकिन उसका बल्ब अलग स्पेशल बल्ब था, और एक बल्ब 160 रुपए का था। मनीष बोलता है वो सेंसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार लेने करने जाओगे ना तो बहुत तकलीफ होगी, ये बल्ब मिलती भी नहीं हूँ, दूसरा था ना अलग होता है, ये वो स्क्रू वाले होते हैं ना। मैं यही बोल रही थी कि भले ये एक सेटअप हो, बट मैं इनको तीन जगह करवा सकती हूँ, अलग अलग सेटअप करवा सकती हूँ, समझ गए? हाँ नहीं, क्योंकि जो बेस होता है ना, बेस तो एक ही है, जॉइंट है ना आपका, और फायर का जॉइंट होगा वो इस बेस में से निकलेगा। क्लीनिंग टाइम चाहिए, सफाइयां हो रही हैं, अभी निकलेंगे यहाँ से,
अपनी घर की चाबी हमसे पूछ रही है कि चाबी कहाँ है घर की। चाबी कहाँ है लेकिन जरूर दबाओ आपने 27 भर दिया। बाय गाइस बाय बाय बाय। मैं भी निकल रहा हूँ। थैंक यू सो मच ज्योति, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, सो हैप्पी फॉर यू। चलो गाइस बाय 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 बाय। कमल कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, सी यू सून टू यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बेस्ट विशेस। जल्दी मिलते हैं। हां भाई, पक्का पक्का, मोस्ट वेलकम। अगर आपको मेरी पुणे की जर्नी देखनी है तो आप ये आई कार्ड पर टच करके अभी का अभी मेरा फर्स्ट व्लॉग ऑन पुणे देख सकते हैं। उसके बाद में एक और व्लॉग आएगा जो पुणे के बेस्ट रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करेगा, जिसमें 5 बेस्ट रेस्टोरेंट्स मैं बताऊंगा आप लोगों को। और उसके बाद में आएगा कि मैंने स्टे कहाँ पर किया था पुणे में और कितने बजट में किया था।